हाय, कल मैं एक क्लाइंट से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे वो पूछ रहे थे कि हमने एक फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी ऑलरेडी देखी हुई है। दिस इज़ ऑन मुलशी टू तामिनी रोड पे एक फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अराउंड 100 odd plots है वहाँ पे। बट पिछले 4 साल से वो प्रोजेक्ट अंडर सेलिंग है। आउट ऑफ दैट ओनली 40 odd plots आर सोल्ड। बट पॉइंट इज दैट किसी ने भी अभी तक वहाँ पे फार्म हाउस ही नहीं बनाया है। एनी प्रॉब्लम यू सी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट? ये समझने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम कोई गेटेड फार्म हाउस कम्युनिटी भी में प्लॉट लेने जाते हैं या फार्म हाउस का सपना पूरा करने के लिए वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमने देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बल्कि प्रोजेक्ट गेटेड है, बट उसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखनी चाहिए जो हमें सपोर्टिंग तौर पर मिल रही है, जो हमें फार्म हाउस बनाने के लिए हेल्पफुल होंगी। हम रेशमा हाजीते हैं। मैं रियल एस्टेट में लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 12 साल में मैंने 1200 से अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। फर्स्ट थिंग इज रोड कनेक्टिविटी। आप जहाँ पे भी गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट ले रहे हो, आपके प्लॉट तक पहुँचने के लिए प्रॉपर सीमेंट रोड अवेलेबल है क्या? सीमेंट इतने लिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी 4 व्हीलर वहां तक ड्राइव होनी चाहिए। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी। आपके प्लॉट तक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट कनेक्शन आया हुआ है क्या? क्योंकि अगर नॉर्मल ओनली प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ है, वहां से वापस आपके प्लॉट तक के लिए लाना इज अगेन अ टास्क। थर्ड थिंग, वाटर कनेक्टिविटी। आपके प्लॉट के अंदर वाटर सोर्स कोई अवेलेबल है या आपके प्लॉट तक वाटर कनेक्शन लाया है? अगर आपके प्लॉट तक वाटर कनेक्शन है ना, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज डिमार्केटेड फेंसिंग। आपके खुद के प्लॉट का प्रॉपर फेंसिंग अवेलेबल है ताकि आपकी बाउंड्रीज साइड से एक्चुअल आपको समझ में आ रही है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम द कॉमन पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए फेंसिंग है क्या? भले वो बार्ब वायर सिंपल भी फेंसिंग रहे, बट प्रोजेक्ट पूरा फेंस है क्या? सेकेंड थिंग, सीसीटीवी अवेलेबल है क्या कॉमन पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे पब्लिक इंटरफेस होने वाला है वहाँ पे? एंड थर्ड, इज देयर अ सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल? क्योंकि आप तो गेटेड में प्लॉट ले रहे हो, उसका बेसिक बेनिफिट कि आपको सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए। एंड कुछ एक एडिशनल वन मोर पार्ट इज अ रेस्टोरेंट सपोर्ट। अगर आपको लगता है ओवरनाइट कभी आप रहने लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली जाके कुकिंग करें, या फिर वो लोकेशन बहुत ही बाहर के साइड में है तो खाना आप कहाँ से लाएंगे, ये चैलेंजेस होते हैं। तो खाने के लिए रेस्टोरेंट सपोर्ट या कोई भी स्मॉल सपोर्ट जहाँ से आपको लोकली फूड अवेलेबल हो सकता है, ये अवेलेबल होना चाहिए। एंड सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़, कंस्ट्रक्शन सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, नॉट नेसेसरी हर एक को वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर, लोकल लेबर, ये सबको आप साथ में लेके जा सके। बट इन दैट केस एज अ बायर आपको ये पता होना चाहिए, आप जिससे भी ले रहे हो गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट, उनकी खुद की कैपेबिलिटी या फिर उनके कनेक्शन अच्छे है क्या जहाँ पे वो आपको फार्म हाउस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। सो टू समराइज, अगर आप फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी में भी प्लॉट ले रहे हो, तो कुछ चीज़ें पक्की देखिए: रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फेंसिंग, कॉमन सिक्योरिटी टू द प्रोजेक्ट, रेस्टोरेंट सपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट। होप आई क्लैरिफाई द डाउट ऑफ द पर्सन हु हैव आस्क्ड मी। अगर आपको भी इसी तरह के कुछ फार्म हाउस रिलेटेड क्वेरीज है, स्पेशली फॉर पुणे एंड मुंबई प्लॉट्स, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑन फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट्स।